इमरान खान ने पाकिस्तान में अमरीका के साबिक CIA चीफ से मदद ली। रॉबर्ट लॉरेन ग्रेनियर 2001 में पाकिस्तान में तैनात थे। इस दौरान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। PTI ने अमरीका में लॉबिंग के लिए लॉरेन ग्रेनियर के साथ 2021 में मुआहिदा किया था। डोनाल्ड लू से मुतालिक साइफर लिखने वाले अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद के बारे में भी आम इंकशाफात। इमरान खान की मोहब्बत में आदाब सिफारतकारी भूल गए। असद मजीद ने दूसरी लॉबिंग फर्म आर्लिक फेंटन से माहिदे पर दस्तखत किए। दस्तखत के 5 दिन बाद इमरान ने असद मजीद का खत लहराकर अमरीका पर साजिश का इल्जाम लगाया। इमरान खान को उनके ही अपने खिलाड़ी ने झुटला दिया। शहबाज गिल ठीक हैं, बरहना करके मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीरे दाखला पंजाब हाशिम जोगर ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, इमरान खान से मिलकर शहबाज गिल की सेहत का बताऊंगा। शहबाज गिल का मामला वफाक का केस है, अडियाला जेल सिर्फ उसकी कस्टोडियन है। इमरान खान ने शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया था। लसबेला हेलीकॉप्टर साहने के शहदा की तस्दीक करने वाले और उनके सरपरस्तों को गिरफ्तार करने का फैसला। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के हवाले से बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती कमेटी में चशम कुशा इंकशाफात। घिनौनी मुहिम में एक बड़ी जमात के कारकुन मुलविस निकले। शहदा के खिलाफ अर्जा सराय में भारतीय अकाउंट्स ने भी बढ़ावा दिया। इस तरह एक जमात के कारकुन पाक फौज के खिलाफ मुल्क दुश्मन अनासिर का आला कार बने। पेट्रोल महंगा होने पर नवाज शरीफ नाराज हो गए। कायद मुस्लिम लीग नून इजलास छोड़कर चले गए। आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने की मुखालफत। मरियम नवाज ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहती हैं, आवाम के साथ खड़ी हूँ, कीमतों में इजाफे के फैसले की तायद नहीं कर सकती। आसिफ अली जरदारी का भी पेट्रोल महंगा करने पर तश्वीश का इजहार। इत्तेहादियों से मुशावरत न किए जाने का शिकवा। कहते हैं, हम सब इस हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं। आवाम को रिलीफ देना ही अफ़ज़लीन तरजीह होनी चाहिए। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुआशी टीम पर भी बात होगी। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की साइन के बगैर ये नहीं हो सकता है। रात को भी मुझे मैं 11:30 बजे घर पर बैठा था। उसके बाद मुझे तौकीर साहब ने ये मुझे भेजा कि शहबाज साहब ने अप्रूव किए। उसके बाद हमने ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया। बेदरे मुश्किलों के साथ भी फैसले करेंगे और मैं तो जाती तौर पे हर फैसले के पीछे खड़ा हुआ हूँ। ये जो जितने भी मुश्किल फैसले हैं, जरदारी साहब की राय भी मोहतरम है। और जरदारी मैं आज मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साहब के साथ था। जरदारी साहब की भी राय बड़ी मोहतरम है और मैं उनसे भी बात कर लूँगा। अगर कोई उनके जो भी क्लैरिफिकेशन मांगेंगे मैं दे दूँगा। महंगाई की आग पर पेट्रोल किसने छिड़का? मिफ्ता इस्माइल ने जिम्मेदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पर डाल दी। कौम को बताया, फैसला ओगरा की समरी और वजीर आजम के दस्तखत से हुआ। पेट्रोल का मामला ऑटोमेटिक है, ये ओगरा से आता है। हमने तो टैक्स बढ़ाया ना कम किया। हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़ा हूँ। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो वजाहत मांगेंगे दूंगा। महंगा पेट्रोल होने से आवाम के अरमानों पर औस पड़ गई। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके डीलर मार्जिन भी बढ़ा दिया। डीजल पर डीलर मार्जिन 4.13 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए फी लीटर मुकर्रर। आवाम डीजल पर 2.87 रुपए के मजीद रिलीफ से महरूम हो गए। डीलर मार्जिन में इजाफा ना होने पर फी लीटर डीजल 3.38 रुपए सस्ता हो सकता था। पेट्रोल क्यों महंगा किया गया? असल वजह सामने आ गई। PSO की एक्सचेंज एडजस्टमेंट का बोझ सार्फीन पर मुंतकिल कर दिया गया। PSO की एक्सचेंज एडजस्टमेंट को 4.40 रुपए फी लीटर मजीद बढ़ा दिया गया। फी लीटर पर PSO एक्सचेंज एडजस्टमेंट 8.02 रुपए मुकर्रर की गई है। इससे कबल 3.62 रुपए फी लीटर थी। ओगरा ने नुकसान की रिकवरी के लिए एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट में इजाफा किया। साबिक मुशीर शहजाद अकबर का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। शहजाद अकबर का नाम नैब की दरख्वास्त पर ECL में डाला गया। शहजाद अकबर मुल्क से बाहर हैं, किसी मुकदमे में मतलूब हुए तो वापसी पर गिरफ्तार किया जा सकता है। बैरिस्टर जियाउल मुस्तफा नसीम का नाम भी ECL में शामिल।
भारत से छोड़ा गया रेला आज रात लाहौर पहुंचेगा। दरियाए रावी में 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। लाहौर, नारोवाल, शेखपुरा, उकाड़ा, ननकाना और साहिवाल मुतासर होने का खदशा। झंग, खानेवाल और मुल्तान भी रैले की लपेट में आएंगे। पसरूर में नाला डेक में तोकयानी, नारोवाल सियालकोट रेलवे ट्रैक बह गया। लाहौर से सियालकोट जाने वाली ट्रेनों का निजाम मुअत्तल। गुजरावाला में भी नाला डेक का पानी देहात में दाखिल हो गया। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सुपर हाईवे सुरजानी, नाजमाबाद और लांडी में मूसलाधार बारिश। सदर आईआई चंडीगढ़ रोड, कोरंगी में भी बरखा रुख। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। 17 और 18 अगस्त को शहर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। नशे भी इलाके जेरे आब आने की वार्निंग। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का फैसला कल अदम करार। एडिशनल सेशन जज शर्की ने फैसला कल अदम करार दे दिया। पोस्टमार्टम की दरख्वास्त एक शहरी ने दी थी। अदालत ने आमिर लियाकत की बेटी की दरख्वास्त के हक में फैसला सुना दिया। डॉलर की कीमत कम होने के असरात। टोयोटा इंडस मोटर्स का गाड़ियों की कीमत में कमी का ऐलान। मुख्तलिफ मॉडल्स पर 3,30,000 से 11,40,000 रुपए तक कमी। करोला 1.6 की कीमत में 3,60,000 रुपए तक कमी। यारिस 1.3 की कीमत 2,80,000 रुपए तक कम हो गई। फॉर्च्यूनर पेट्रोल वाली गाड़ी की कीमत में 10,20,000 रुपए तक कमी कर दी गई। वफाकी वजीर सेहत ने ड्रैब की जानिब से 40 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं एक भी दवा की कीमत नहीं बढ़ेगी, आवाम को रिलीफ देंगे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,141 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से तजावुज। ज्यादा लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज्यादा। सऊदी अरब में गुसल काबा की रूह परवर तकरीब। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर ने आबे जमजम और हल्के गुलाब से बैतुल्ला के अंदरूनी हिस्से को गुसल दिया। खालिस सौद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्ला की दीवारों को मुअत्तर किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम वतन वापस पहुंच गए। बर्मिंगम और कोनिया के फातिह एथलीट का खानेवाल अपने घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अर्शद नदीम ने कहा पाकिस्तान के लिए 2 तलाई तमगे जीतने पर खुशी है। वसाइल मुहैया किए जाएं तो दूसरे खिलाड़ी भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को बिछड़े 25 बरस बीत गए। नुसरत फतेह अली खान के आरफाना कलाम, गीतों, गजलों, कवालियों का सहर आज भी तारी। उन्होंने क्लासिकल मौसीकी को नया रंग दिया। बैनुल अक्वामी फिल्मों में म्यूजिक भी दिया।